हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा कि करीब 6 महीने पहले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री जो होम देख रहे थे अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे आशीष मिश्रा एलियस मोनू ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी एसयूवी गाड़ी चढ़ा दी थी, उनको कुचल दिया था पूरी भीड़ को, और उसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी और एक पत्रकार की भी उसमें मृत्यु हुई थी। इसके अलावा 10 किसानों को जो है इंजरी आई थी। तो दोस्तों, ये मामला पूरा मीडिया में छाया रहा काफ़ी टाइम तक, क्योंकि इसमें किसानों ने इसका ज़ोरदार विरोध किया कि इनके मंत्री जी के बेटे को बेल नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी उनको जो लखनऊ बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, विरोध प्रदर्शन के बाद भी उनको वहाँ से बेल मिल गई। तो दोस्तों, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा था एक क्रिमिनल अपील नंबर 632/2022 के रूप में, और इसमें जो एक विक्टिम है, यानी कि जो विक्टिम्स थे इसमें, किसान जो थे शामिल इसमें, तो उन्होंने जो है एक क्रिमिनल अपील डाली। इसका टाइटल है जगजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस आशीष मिश्रा एलियस मोनू एंड अनदर। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। किन ग्राउंड्स पे दिया है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस इसमें दी हैं, तो मैं ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, ये जो क्रिमिनल रिविज़न पटिशन आई थी, क्रिमिनल अपील आई माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेल ग्रांट करने के ऑर्डर के खिलाफ जो है ये जो विक्टिम है जगजीत सिंह, उन्होंने फाइल की थी। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 3/10/2021 को ये घटना हुई थी, और आरोपी ने किसानों की भीड़ में से कई किसानों को अपनी एसयूवी गाड़ी से कुचल दिया था, क्योंकि वो उनके फादर जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनका वहाँ पर किसी समारोह में आने के लिए जो है उनका विरोध कर रहे थे, तो गुस्से में मंत्री जी के बेटे ने अपनी गाड़ी जो है किसानों पर चढ़ा दी और उनको जो है बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। तो इसमें एक एफआईआर दर्ज की गई थी, सेक्शन लगाए गए इसमें 147, 148, 149, 302, 307, 326, और इसमें आर्म्स एक्ट के सेक्शन जो लगे थे 325 एंड 30 ऑफ आर्म्स एक्ट, क्योंकि इसमें वहाँ पर जो है गन शॉट्स भी चलाए गए थे। जो मंत्री जी के बेटे हैं और उनके जो साथी रहे थे इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पर फायरिंग भी की, तो इसलिए आर्म्स एक्ट भी इसमें लगाया गया। लेकिन दोस्तों, माननीय हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनको बेल दे दी, यानी कि जो है एफआईआर नंबर 219/2021 की रजिस्टर की गई थी ये रेस्पोंडेंट के खिलाफ, और इसमें दूसरे जो आरोपी थे पुलिस स्टेशन तिकोनिया में ये जो है एफआईआर दर्ज की गई थी। और हाई कोर्ट ने इस मामले में 10 फरवरी 2022 को पूरे विरोध के बावजूद आरोपी को बेल दे दी, यानी कि आशीष मिश्रा एलियस मोनू को, और उन्होंने जो है बेल ग्रांट करते वक्त 4 मेन ग्राउंड रखे कि आरोपी के हथियार से कोई गोलीबारी नहीं हुई है, और एफआईआर के हिसाब से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, और ना ही कोई हताहत हुआ है उनकी गोलीबारी से। दूसरा यह कि उसने जो है ड्राइवर को नहीं उकसाया था ये घटना को करने के लिए, क्योंकि ड्राइवर इसमें खुद जो है मारा गया था इसी घटना में। और तीसरा जो है कि आरोपी ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है, और चौथा जो है कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है, अब बेल दी जा सकती है। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल ऑर्डर था माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसका सभी किसानों ने ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन फिर भी जो है
आशीष मिश्रा को बेल मिल गई और वो जो है खुला एनलार्जमेंट उनकी हो गई और वो जो है खुलेआम जो है इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी खुलेआम वो घूमता रहा। तो उसके बाद जो इसमें विक्टिम्स थे किसान, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील फाइल की और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की इसमें ऑब्जर्वेशंस आई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि बड़ी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब दो व्यक्तियों की कोई क्राइम होता है तो एक अक्यूज पक्ष होता है, एक स्टेट पक्ष होता है, क्योंकि जब भी कोई FIR होती है वो स्टेट की तरफ से गवर्नमेंट उसको रजिस्टर करती है और ये दो पार्टियां होती हैं, जबकि उसमें विक्टिम जो होता है, जो असल में विक्टिम होता है, उसको बाहर एक मूक दर्शक के तौर पे बिठा दिया जाता है और उसकी राय नहीं जानी जाती, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विक्टिम्स वर डिनाइड ए फेयर एंड इफेक्टिव हियरिंग एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग बेल टू आशीष मिश्रा मोनू, यानी कि जब हाई कोर्ट ने बेल दिया आशीष मिश्रा मोनू को तो जब पक्ष सुने गए सिर्फ स्टेट का पक्ष सुना गया और इसमें जो अक्यूज्ड है उसका पक्ष सुना गया, जबकि जो विक्टिम थे इस घटना के उनको इसमें हायरिंग से बाहर रखा गया, उनकी बात उसमें नहीं सुनी गई। और दूसरा जो इसमें पॉइंट था, द हाई कोर्ट कंसीडर्ड इररेलेवेंट फैक्टर्स एंड शोड अनवॉरंटेड हरी इन ग्रांटिंग हिम बेल, यानी कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही इररेलेवेंट फैक्टर्स को कंसीडर किया बेल ग्रांट करते टाइम और जो है एक बड़ी जल्दबाजी दिखाई कि फटाफट जो है उनको बेल दे दी जाए। और तीसरा पॉइंट इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द हाई कोर्ट वाज रॉन्ग इन ट्रीटिंग FIR एज गॉस्पल ट्रूथ वाइल ग्रांटिंग बेल, की बेल ग्रांट करते वक्त जो माननीय हाई कोर्ट ने FIR को एक गॉस्पल ट्रूथ माना है ये गलत किया है, क्योंकि FIR कभी भी हमेशा पूरी तरह से सच नहीं होती, उसमें भी लूपहोल्स होते हैं। एक अन्य पॉइंट है कि हाई कोर्ट एड इन नॉट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द कंप्लेनेंट टू अपोज बेल, कंप्लेनेंट यानी कि इसमें जो केस में हैं और जो विक्टिम्स हैं उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि वो भी अपना पक्ष रखे कोर्ट के टाइम में जब बेल पर बहस हो रही थी, ताकि वो बेल को अपोज कर सकें कोर्ट के अंदर, लेकिन उनको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं दी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि टू एग्जामिन हिज बेल प्ली अफ्रेश इन ए फेयर इम्पार्शल एंड डिस्पैशनेट मैनर एंड कीपिंग इन व्यू द सेटल्ड प्रोपोजिशंस। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को आदेश दिए हैं कि एक बार आप ये बेल एप्लीकेशन दोबारा से फ्रेश जो है सुने, बहुत ही फेयर तरीके से, बिल्कुल तटस्थ होकर बायस्ड मैनर में ना सुने, और जो है अपने आप को बिल्कुल अलग हटाकर कानून के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए ये बेल एप्लीकेशन दोबारा सुनी जाए और जो ये बेल एप्लीकेशन जितनी जल्दी हो सके आशीष मिश्रा की वो डिसाइड की जाए, लेकिन 3 महीनों के अंदर अंदर इसको जो है डिसाइड कर लिया जाए, आफ्टर गिविंग एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग टू द विक्टिम्स एज वेल। और बेल सुनते वक्त ये नहीं कि सिर्फ जो है स्टेट के या जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वही अपनी दलीलें देंगी और अक्यूज पक्ष अपनी दलीलें देगा, जबकि विक्टिम्स को उसमें कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, उनको भी एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी बोलने की दी जाए अपना पक्ष रखने की। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि इफ़ विक्टिम्स वर अनेबल टू एंगेज ए प्राइवेट काउंसिल, कि अगर विक्टिम्स अपना खुद के खर्चे पे वकील करने में जो है वो सक्षम ना हो, कैपेबल ना हो, इट शैल बी ऑब्लिगेटरी अपॉन द हाई कोर्ट, तो ये हाई कोर्ट की ड्यूटी होगी टू प्रोवाइड देम ए लीगल एड काउंसिल, तो उनको एक लीगल एड काउंसिल दिया जाए विक्टिम्स को विद एडिक्वेट एक्सपीरियंस, एक ऐसे काउंसिल जिनका जो क्रिमिनल लॉ में जो है
अच्छा उनका ज्ञान हो, अच्छा उनका तजर्बा हो और वो सरकारी खर्चे पर उनको प्रोवाइड किया जाए। और इसके साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा एलियस मोनू की बेल जो ग्रांट की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसको जो है कैंसिल कर दिया, डिसमिस कर दिया और आशीष मिश्रा को डायरेक्शन दी कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर वो सरेंडर करे पुलिस को और जो है दोबारा अपनी बेल एप्लीकेशन माननीय हाई कोर्ट में लगाएं। और इसके साथ साथ कुछ टिप्पणियां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की हैं इस केस के मद्देनज़र, वो क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वी आर कंस्ट्रेंड टू एक्सप्रेस आर डिसअपॉइंटमेंट विद द मैनर इन विच द हाई कोर्ट हैज़ फेल टू एक्नॉलेज द राइट ऑफ द विक्टिम्स। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें बहुत निराशा हुई है देख के कि हाई कोर्ट ने जो विक्टिम्स के राइट हैं उनको बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं किया इस केस में। दीज राइट्स आर टोटली इंडिपेंडेंट, और जो विक्टिम्स के राइट हैं वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं और इनकम्पेरेबल हैं, यानी कि उनका कोई जोड़ नहीं है, वो सबके राइट्स होते हैं विक्टिम्स के खास तौर पे, एंड आर नॉट एक्सेसरी और ऑक्सिलरी टू दोज ऑफ द स्टेट अंडर सीआरपीसी। और सीआरपीसी के तहत विक्टिम्स को खास तौर पे ये अधिकार दिए गए हैं कि वो जस्टिस के लिए अपना पक्ष, पूरा पक्ष कोर्ट के सामने रखें, और ख़ासकर ऐसे मामलों में जहाँ पर ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस था और इसमें बेल को अपोज करने का विक्टिम्स को मौका नहीं मिला। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है एक और कि ही हैज़ अडोप्टिड ए हाई कोर्ट हैज़ अडोप्टिड ए मायोपिक व्यू ऑफ द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, यानी कि जो रिकॉर्ड पे एविडेंस था इस केस में, आशीष मिश्रा वाले केस में, उसको लेकर जो माननीय हाई कोर्ट ने बहुत ही मायोपिक व्यू लिया है, यानी कि फेयर व्यू इसमें नहीं लिया है, एंड प्रोसीडेड टू डिसाइड द केस ऑन मैरिट्स। और जो जैसे जैसे उसमें एफआईआर में लिखा हुआ था उन्हीं मैरिट्स पे जो है माननीय हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी आशीष मिश्रा को, और जबकि विक्टिम्स को उसमें कोई पक्ष नहीं रखा गया। तो दोस्तों ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम के बेटे आशीष मिश्रा इन्वॉल्व थे जो बेल का आनंद ले रहे थे, लेकिन आखिरकार किसानों की जीत हुई और उनकी बेल रद्द हो।